तंबाकू का सेवन तो बहुत बहुत सारे लोग करते हैं, तो तंबाकू स्मोकिंग के फॉर्म में कर सकते हैं, टोबैको के फॉर्म में कर सकते हैं, जर्दा या फिर गुटखा उसके फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो ये जो भी तंबाकू है वो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे लंग डिसऑर्डर्स, मतलब हमारे फेफड़ों के बहुत सारी बीमारियां उससे होते हैं। उसमें अस्थमा काफ़ी ज़्यादा वर्सन हो सकता है, ख़राब हो सकता है, बार बार अटैक्स आ सकते हैं अस्थमा के। सीओपीडी, जिसमें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ये बीमारी हो सकती है जिसमें पेशेंट्स को बहुत लंबे समय तक खांसी होती है, बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार बुखार आ सकता है, बहुत सारा कॉफ निकलता है, बहुत बार कॉफ नहीं निकलता है, सिर्फ और सिर्फ सूखी खांसी रहती है। जब भी वेदर चेंज हो जाता है, जैसे गर्मियाँ पड़ी, सर्दियाँ पड़ी, थोड़ा वेदर चेंज हुआ, डस्ट हुआ, तो बहुत कॉमन इनको फिर खांसी आती है, बुखार आता है, छींकें आती है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो। दूसरा सबसे खराब चीज़ जो कि तंबाकू के सेवन से पाई जाती है वो हार्ट अटैक। हार्ट रिलेटेड अटैक्स, या फिर सीने में दर्द होना है, सिर की धड़कन तेज़ हो जानी है, नींद ना आना हो, घबराना हो, ज़्यादा स्वेटिंग या फिर पसीना आना हो, और हमारे दिल को सप्लाई करने वाली जो धमनियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें ब्लॉकेजेस बहुत कॉमनली तंबाकू की वजह से होते हैं। तो हार्ट अटैक या फिर ब्रेन में स्ट्रोक्स होने के वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो रीजंस हैं, जो कारण है, उसमें तंबाकू एक है। उसको छोड़कर तंबाकू की वजह से हमको बार बार गले के इन्फेक्शंस होते हैं, बार बार दूसरे इन्फेक्शंस होते हैं। तंबाकू के सेवन से एक तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसलिए जो जख्म है वो जल्दी से भर नहीं पाते हैं, पेशेंट्स बार बार बीमार पड़ जाते हैं, छोटी मोटी चीज़ों में भी वो इरिटेबल रहते हैं, रेस्टलेस होते हैं। तंबाकू के सेवन से बहुत कॉमनली हमारे पैरों के नसें डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से पैरों में झनझनाहट होना, पैरों में जलन होना, इस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। तो अगर तंबाकू का सेवन है और अगर किसी को हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर या फिर शुगर की बीमारी है, तो उसमें तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक होने के, फेफड़ों की बीमारियां होने के, या फिर बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपको इन चीज़ों का डेफिनेटली ख्याल रखना चाहिए, और तुरंत जितने जल्द हो सके आपको तंबाकू का सेवन पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। थैंक यू।